नोटिस किया, अनुपमा दिख रही है, अनुपमा दिखाई वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, चैनल वाले हैं वहाँ पे, मीडिया वाले हैं, शुरू हुआ और देखा तब तक रिपोर्टर ने वहां से पूछा, सबसे पहले तो इतना बड़ा कंपटीशन जीतने के लिए हमारे तरफ से और पूरे भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको, अनुपमा बोलती थैंक यू। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये इंटरव्यू इस वक्त टीवी पे लाइव चल रहा है और ये इंडिया में भी आपको दिखाया जा रहा है। इतनी बड़ी जीत के बाद आपको कैसा लग रहा है? अनुपमा ने बोला वहां से, कामयाबी किसी नहीं चाहिए होती है, सबको अच्छी लगती है, जीतना है यही सोच के मैंने मेहनत की थी और मैं जीत गई, कान्हा जी की कृपा थी, उसका उसके हिसाब से परिणाम स्वरूप मुझे फल मिला। जी ने ये रिपोर्टर्स को और कोई काम नहीं किया, किसी का भी इंटरव्यू देने पहुंच जाते, जहां देखो कैमरा लेके पहुंच जाते। देखा आप लोगों ने उनको, फिर बोला इधर से रिपोर्टर ने, लोग अनुपमा जोशी के बारे में तो सब जानते हैं, आपकी प्रोफेशनल सक्सेस के बारे में सबको पता हो गया है, प्लीज अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए ना, क्या ये सच है आपकी दो शादियां हुई थी और दोनों शादियां फेल हो चुकी? दो शादियां फेल हो गई, लेकिन मैडम ने हिम्मत नहीं हारी, अब तीसरी शादी की तैयारी। देखे आप लोग उनको देख, फिर अनुपमा बोला हाँ ये सच है, मेरी दो शादियां हुई हैं और दोनों बार तलाक हो गया है। आप कुछ बताए क्या आगे भी? रिपोर्टर ने पूछा, हमने ये भी सुना है कि आपकी पहली शादी में आपके ससुराल वालों ने आपको बहुत दबा कर रखा था। क्या बकवास कर रहा है, तिखा मकाम में बदनाम कर रहा है। ये कैसे शांत है बाबू जी, अभी अनुपमा वहां बैठ के हमारे गले मुर्दे खाएगी, हमारे ऊपर हंसेगी, पूरी दुनिया सामने बदनाम करेगी। अनुपमा इधर से बोला, आपके चटपटे खाने के मन, अगर आपका चटपटा खाने का मन है तो आप मेरे यहाँ पे आइए और खाइए, लेकिन मैं ऐसे मेरी पर्सनल लाइफ के मसाले बनाने में आपको कोई कोशिश मत कीजिए। अनुपमा का इंटरव्यू देख वनराज हुआ नाराज। जी हाँ, कंपटीशन जीतने के बाद टीवी पे अनुपमा का इंटरव्यू आ रहा है जिसे वनराज और बाकी घर वाले देख रहे होते हैं। यहाँ रिपोर्टर अनुपमा से उसकी शादी के बारे में तीखे सवाल करती है। यशदीप रिपोर्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा रिपोर्टर के सवालों का जवाब बड़े ही सरलता से और समझदारी से देती है। अनुपमा आगे अपने जीत का क्रेडिट बा को देती है। बा जो कुछ देर पहले अनुपमा से नाराज थी, उसके जवाब सुनकर इमोशनल हो जाती है, तो वहीं बा के घर वाले खुश दिखाई देते हैं। लेकिन वनराज को अनुपमा का इंटरव्यू देख कर खुशी नहीं होती, उसे अनुपमा पे अब भी गुस्सा आ रहा है। एक औरत की पर्सनल लाइफ क्या सिर्फ शादी और ससुराल तक सीमित होती है? शादी के पहले भी 20-25 साल उसका कुछ नहीं होता है क्या उसके बारे में? उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पढ़ाई, हुनर कुछ नहीं होता है क्या? उसके सपने, उसके क्या, उसे क्या पसंद है, क्या सोचती है, क्या चाहती है, समाज में क्या बदलना चाहती है और क्यों? क्या ये सब पर्सनल लाइफ नहीं, पर्सनल बातें नहीं होती? मेरी शादी कब हुई, किसके साथ हुई, कब टूटी, क्यों टूटी, आपको यह सब जानने की क्या जरूरत है? अरे पूछना है तो ये सब पूछिए ना कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ, कौन कौन लोग मेरा साथ दिए हैं, मुझे हिम्मत दी, मेरे जैसे कम पढ़े लिखी औरत को यहाँ पे परदेश में आकर के कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी, कैसे कैसे मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, ये सब दिखाइए ना। चैनल वाले न्यूज को न्यूज ही रहने दीजिए, उसको चटपटा मसाला मत बनाइए। रही बात दबाकर रखने की, तो मेरी जीत में सबसे बड़ा योगदान मेरी बा का है। वो मुझे अपनी मेहनत से बनाया हुआ रेसिपी की डायरी दी है, जिसके वजह से मैंने ये जीता है, ये तो मैं जीत भी नहीं पाती। मेरे एक्स पति अनुज ने भी मेरा बहुत हेल्प किए, स्पाइसी चटनी का पूरा स्टाफ, यशदीप जी, बी जी, ये सब लोग मेरी बहुत हिम्मत बन के सामने खड़े हुए हैं। मेरा परिवार की बेस्ट विशेष और बाप बापू जी का आशीर्वाद मेरे साथ था, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, वरना यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाती। ये सब पूछिए, ये आपका पूछना काम है। हम अपने रेस्टोरेंट में ये पॉलिसी अपना रहे हैं, आप सब भी अपने घर और अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइएगा। खाना को एंजॉय कीजिए, वेस्ट मत कीजिएगा। Enjoy food but don't waste it. Real clapping, सब लोग क्लैपिंग के वहाँ पे भी।